ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। नवरात्रों का समय है और लोग सिंघाड़े का और कुट्टू का आटा खाएंगे। इसके अलावा चावल के बदले सामक का चावल और प्रोटीन्स के बदले जो है चौलाई के लड्डू या चौलाई का रायता लोग खाते हैं। सो ये बेसिकली हमारे शास्त्रों में लिखा है कि साल में 80 दिन और जिसमें दो नवरात्र 9 दिन के इंक्लूडेड है अनाज नहीं खाना। और अनाज का अगर मुझे ऑल्टरनेटिव चाहिए तो हेल्दी ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो ये फल है, ये फलाहार में आते हैं, अनाज में नहीं आते। इसमें ग्लूटेन नहीं होता, इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है चक्की के आटे के मुकाबले कम होता है, व्हीट फ्लावर के मुकाबले में कम होता है। इसमें एलर्जी होने की संभावना कम होती है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, 60 के करीब है, इनसॉल्युबल फाइबर ज्यादा है। तो इससे क्या होता है कि मोटापा कम होता है, डायबिटीज कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए हर आदमी को साल में 80 दिन कम से कम जो है व्हीट फ्लावर के बदले या तो सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाना चाहिए, लेकिन प्योर क्वालिटी का, क्योंकि अगर ये पुराने साल का लेफ्ट ओवर आटा खाओगे तो उससे फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं। धन्यवाद।